हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं सॉफ्ट सीईटी 2021 के बारे में। आज हम इस स्टूडियो में एसएफटी सीईटी यानी कि सॉफ्ट सीईटी 2021 के बारे में हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ सॉफ्ट सीईटी 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सॉफ्ट सीईटी 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई भी सॉफ्ट सीईटी 2021 का नया नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई अपडेट आता है या फिर कोई भी न्यूज़ उसके रिगार्डिंग आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं सॉफ्ट सीईटी 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा सॉफ्ट सीईटी 2021। उसके आगे आप लोगों को लिखना होगा cteet.co.in। अब आप लोगों को सॉफ्ट सीईटी 2021 के आगे जो cteet.co.in लिखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को नहीं पता होता किस तरह से सर्च करना है, वो गलत सर्च करते हो, गलत सर्च करने की वजह से गलत इन्फॉर्मेशन भी दिखाई जाती है, और कई बार जो वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन दिखाती है वो अपडेटेड भी नहीं रहती, वो जो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाती है। तो आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन को देख के गलत इन्फॉर्मेशन न फॉलो करो गाइस, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। आप लोगों को सिंपली आगे cteet.co.in लिखना होगा। जैसे आप उसे लिख के सर्च कर लेंगे गूगल में, तो गूगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सॉफ्ट सीईटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम डेट, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो न्यू पेज ओपन हो जाएगी, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो गाइस, ये cteet.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको सॉफ्ट सीईटी 2021 के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में जानने को मिलेगी। उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट है वो सॉफ्ट सीईटी 2021 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके साथ डेली बेसिस पे रेगुलरली अपडेट भी होती रहती है, तो यहाँ पे आपको फुल अपडेटेड और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं सॉफ्ट सीईटी के बारे में जानना। तो उसके पहले उसका थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। लाइक सॉफ्ट सीईटी का फुल फॉर्म यहाँ पे दे दिया, स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और अगर आपको जो स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आपको एडमिशन थे किसी भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन डिजाइन कोर्स में, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट सीईटी का एग्जाम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिज़ाइन फैशन, फिर DS ऑफ फैशन कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, डिप्लोमा इन प्रोग्राम इन फैशन डिज़ाइन, PG कोर्सेज में PG प्रोग्राम इन फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, फिर PG प्रोग्राम इन फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड प्रोडक्शन। तो ये सब कोर्सेज यहाँ पे जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट नीचे जो है सॉफ्ट यूनिवर्सिटी, उसका यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं सॉफ्ट सीईटी के हाईलाइट्स के ऊपर। सो गाइस, जिसका फुल फॉर्म नॉलेज ऊपर डिस्कस कर लिया था, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो टाइप ऑफ एग्जाम है, एग्जाम जो UG टाइप का एग्जाम है, लेवल ऑफ एग्जाम स्टेट लेवल का है, जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे वो सारे के सारे जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्सेज है, वही ऑफर किए जाते हैं। इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो है स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसी ये उसकी ऑफिशियल अथॉरिटी, इसके द्वारा जो ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जिसका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड में रिलीज होने वाला है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना रहेगा। जो मोड ऑफ एग्जाम है वो भी ऑनलाइन मोड रहेगा, आपको ऑनलाइन मोड में इसका कंप्यूटर बेस्ड इसका जो है टेस्ट देना होगा। जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, उतने टाइम में आपको अपना पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट करना होगा। और लास्टली आपको यहाँ पे सॉफ्ट सीईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यहाँ पे दे दी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्विक लिंक्स की ओर। सो गाइस, ये सब जो है ये सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में जानना है अगर, तो आप सिंपली उसके सामने जो क्लिक किया है, लाइक एडमिट कार्ड के सामने जो क्लिक है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पेज पर चले जाएंगे, वहाँ पे आपको सॉफ्ट सीईटी के एडमिट कार्ड के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगी। तो इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम डेट्स की ओर। सो गाइस, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 5 अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, और इसका जो एग्ज़ाम्स है वो भी इसकी एग्ज़ाम की डेट पूरी यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मई में इसके जो भी सारे के सारे एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट किए जाते हैं, जुलाई से जो है सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। सो गाइस, सॉफ्ट सीईटी का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म में, वो ये है कि जब लास्ट स्टेप पे आप पहुँचते हैं, कहा जाता है लास्ट स्टेप में कि आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस अपना ईमेल वो
डॉक्यूमेंट्स हो गया, फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, उन सबको क्या करना होता है, स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि किस तरह से स्कैन करना है, किस तरह से अपलोड करना है, कौन से फॉर्मेट में जो अपलोड करना है, कौन सी साइज़ कितनी केबीस में जो है सेव करना है डॉक्यूमेंट्स को, और इस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस आप लोगों के साथ भी ऐसा नहीं, इसलिए आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना है, क्योंकि हम अभी सॉफ्ट सीईटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कितनी केबीस में और कौन से फॉर्म में आपको जो है डॉक्यूमेंट सिग्नेचर और आपका जो फोटोग्राफ रहेगा उसे स्कैन करके अपलोड करना है। आप हमारे जो हम बताएंगे वीडियो में आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जरूर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा आपने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन भी दबा के रखा हुआ हो। अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फीस की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एप्लीकेशन फीस पे आ गए। तो जो भी कैंडिडेट्स बैचलर ऑफ डिज़ाइन के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी है 3000 रुपीज़ रहेगी, और जो इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो फीस है वो रहेगी 4000 रुपीज़। आप जो फी है डायरेक्टली ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू, ऑफलाइन मोड में भी आप डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करके पेमेंट जो है भर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सो गाइस सॉफ्ट सीईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप इसके एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप जो है इसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप इसके एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हर कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया है। लाइक अंडर ग्रेजुएट कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, डिप्लोमा कोर्स फैशन डिज़ाइन का अलग है, सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। लाइक आप एग्जांपल दे दूँ मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, आपके पास जो है 12th का जो रिजल्ट होना चाहिए HSC आप पास होने चाहिए और 10th पास होने चाहिए। उसी तरह से डिप्लोमा का अलग है और फैशन डिज़ाइनिंग का भी जो है अलग अलग दे दिया गया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम पैटर्न की ओर। सो गाइस जो सॉफ्ट सीईटी का एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है, ये दो चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दो चीज़ जब आपको अच्छे से पता होगी तभी आप जो है अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज बना पाओगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाओगे। तो हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पहले देख लेते हैं। आपका जो एग्जाम पैटर्न है टोटल 3 राउंड होते हैं सॉफ्ट सीईटी के एग्जाम में। पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद GP ग्रुप डिस्कशन का जो है ग्रुप डिस्कशन लिया जाएगा, उसके बाद आपका PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स बता दिए गए, और हर सब्जेक्ट में से आपको टोटल 15-15 क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक क्वांटिटेटिव पावर में से आपको 15 क्वेश्चन पूछेंगे, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में से 15 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी में से 15 और क्रिएटिव एबिलिटी में से 15 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया है कि 250 मार्क्स का आपका जो है पेपर के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो टोटल 60 मार्क्स का होने वाला है। जो स्टूडियो टेस्ट रहने वाला है आपका वो 140 मार्क्स का रहेगा, और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो टोटल 50 मार्क्स का रहने वाला है। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपका जो रिटर्न जो टेस्ट होने वाला एंट्रेंस टेस्ट वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। एक खुशखबरी भी आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली है। अब सिलेबस की ओर आ जाते हैं। तो जो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताए थे उसके हिसाब से यहाँ पे हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सिलेबस यहाँ पे दे दिए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी का है, तो यहाँ पे भी पूरा सिलेबस दे दिया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी दे दिया है, वर्बल नॉन वर्बल का यहाँ पे दे दिया है। तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डायरेक्टली वहाँ से और डिटेल सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एडमिट कार्ड की ओर। सो गाइस सॉफ्ट सीईटी का जो एडमिट कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको जो एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जाम सेंटर से वापस घर पे भेज दिया जाएगा। और एक और जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस होती है स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड को लेकर, वो ये है कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि कब एडमिट कार्ड जो है रिलीज हुआ सॉफ्ट सीईटी का, और कब एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के लिए जो है एंड हो जाएगा। तो आप लोगों के साथ भी गाइस ऐसा नहीं, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही सॉफ्ट सीईटी का एडमिट कार्ड निकले हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे और आपको नोटिफाई कर देंगे। साथ ही साथ वीडियो में ये भी बता देंगे कि किस तरह से आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो आप एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सेम चीज़ फॉलो होती है रिजल्ट के लिए, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा तो हम रिजल्ट डिक्लेयर होती है आपको जो है बता देंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और साथ ही साथ आपको रिजल्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे रिजल्ट चेक करने का, आप डायरेक्टली वहाँ से रिजल्ट जो है चेकआउट कर पाओगे। रिजल्ट चेक करना बहुत ही आसान, आपको सिंपली क्या करना होता है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालना होता है, और अपना रिजल्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि अभी आपको जो है सॉफ्ट सीईटी के रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कुछ डाउट आपको रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो हेल्पफुल रहा, इस वीडियो से अगर आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।